उत्तर प्रदेश में 59 साल के माफिया मुख्तार अंसारी पर 59 मुकदमे दर्ज हैं। इस वजह से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं बुधवार को मुख्तार अंसारी को एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। ये बीते 34 सालों में पहली बार है जब माफिया को सजा सुनाई गई है। हालांकि इन 59 मुकदमों में से ज्यादातर मुकदमे गाजीपुर जिले में दर्ज हैं। 59 मुकदमों में से गाजीपुर के अलावा मुख्तार के खिलाफ मऊ और वाराणसी में 9-9 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा लखनऊ में माफिया पर 7 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि आलमबाग में दर्ज एक मामले में ही उसे 7 साल की सजा हुई है। अगर मुख्तार अंसारी के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो 1996 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी, जिसके बाद 2017 तक मुख्तार लगातार 5 बार विधायक रह चुका है, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे को सुपुर्द कर दी। जबकि पहली बार 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। इसके बाद त्रिभुवन सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप माफिया पर लगा था। मुख्तार पहली बार 1991 में पुलिस की गिरफ्त में आया। हालांकि पुलिस जब उसे लेकर जा रही थी तब वह फरार हो गया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। 1996 में ASP उदय शंकर पर जानलेवा हमले का भी मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था। मुख्तार अंसारी पर मकोका और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। 1997 में पूर्वांचल के कोयला व्यवसायी के अपहरण का भी आरोप मुख्तार पर लगा था। इसके बाद BJP ने कृष्णानंद राय को 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ाया और वह जीत गए। कृष्णानंद राय ने 17 साल बाद अंसारी परिवार से सीट छीन ली थी। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल चुनाव हार गए थे, लेकिन 3 साल बाद ही कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। मुख्तार के दुर्दिन की शुरुआत 2017 में हुई, जब प्रदेश में BJP सत्ता में आई। 5 साल में योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की कमर तोड़ दी है। जब शक्तियां बढ़ी तो UP छोड़कर पंजाब के जेल में मुख्तार ने शरण ली। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद पंजाब सरकार को मुख्तार को वापस सौंपना पड़ा। पिछले साल वापस लाए जाने के बाद से वह बांदा जेल में बंद है। अब मुख्तार की मऊ गाजीपुर लखनऊ में 400 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हो चुकी है या ध्वस्त।